What's up you beautiful people, ki hal chal, this is Manav and you are watching MC Vlogs. Guys, aaj main aaya hu cycling pe couple of days ke baad. Ye video hai meri new cycle ke review ke regarding. Aaiye dekhte hain kaun se brand ki hai aur kya kya features hain isme aur kaisi iski looks hai. नए साल में नई हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट करी है साइकिलिंग. इंडिया में रहते हुए इंडिया के ब्रांड्स को प्रमोट करना ही मेरी परसेप्शन है और इसी के रिगार्डिंग भी मैंने जो साइकिल ली है वो भी इंडियन ब्रांड की है. जी हाँ, आज बात करते हैं इसके बारे में, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कैसी इसकी लुक है. गाइस, टाटा की जो स्ट्राइडर सीरीज है उसके अंदर हेक्टर मॉडल नाम से ये जो साइकिल आती है, इसका जो व्हील साइज है 26 इंचेस का है और इसके फ्रंट में हमें स्ट्राइडर का लोगो मिल जाता है जो कि बड़ा ही प्यारा है देखने में. और कंपैरेटिवली इसके जितने भी साइकिल्स के लोगो आते हैं उस पर साइकिल का लोगो तो अलग से, नाम के साथ साइकिल का लोगो अलग से नहीं आता, इसमें स्पेशली आता है. मुझे बड़ा पसंद आया देखने में, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है फ्रंट से. फ्रंट में हमें शॉकर्स, सुपर शॉक्स के नाम से इसके शॉकर आते हैं. ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में. और यहाँ पे हमें स्ट्राइडर का लोगो मिल जाता है. फ्रंट में हमें इसके डिस्क ब्रेक मिलती है. लीवर थोड़ा सिंपल है देखने में बट ब्रेक्स अच्छी हैं कॉज ऑफ डिस्क. गियर्स की बात कर लें, हमें माइक्रोशिफ्ट के इसमें गियर्स मिलते हैं, माइक्रोशिफ्ट के ही इसमें लीवर मिलते हैं. इसमें ये स्पेशलिटी है कि ये जो लेटेस्ट वाला आर्टिकल है इसमें ब्रेक और जो लीवर है गियर वाला वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते. उसके साथ हमें यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी दी जाती हैं जो कि कोई मानने वाला नहीं है जितना मैं जानता हूँ. गाइज, ये साइकिल जो आती है 21 गियर्स के कॉम्बिनेशन के साथ आती है और तीन गियर्स हमें यहाँ मिलते हैं और जो 7 गियर्स हैं वो यहाँ मिलते हैं. 7 × 3 21 के कॉम्बिनेशन गियर्स में ये साइकिल हमें मिलती है. और गाइस, के जो पेडल्स हैं वो भी प्रॉपर स्ट्राइडर ब्रांड से आते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं और ग्रिपिंग काफी अच्छी है. सेंटर में हमें बॉटल स्टैंड और बॉटल जो है वो साथ में मिलती है. सीट की हाइट जो है फुली एडजस्टेबल है और बहुत ही अच्छा फीचर मानता हूँ मैं, बहुत जरूरी होता है साइकिल के रिगार्डिंग. सेंटर में इसके कोई शॉकर नहीं आता इसलिए मैंने जो सीट है वो चेंज करवाई है, स्प्रिंग सीट्स इसको बोलते हैं. काफ़ी कंफर्टेबल आती हैं ये नॉर्मल सीट के कंपैरेटिवली. जो माइनर बम्स होते हैं उसमें काफ़ी हमें कंफर्ट रहता है और जो कुशनिंग है इसकी वो भी काफ़ी सॉफ्ट है नॉर्मल सीट के कंपैरेटिवली. हमारे डिस्क को सपोर्ट करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए, डिस्क में किसी तरह का पेन ना हो कंटिन्यू साइकिलिंग के बाद, इसके लिए यहाँ पे ये फीचर दिया गया है. काफ़ी जो बीच में गैप है, थोड़ा सा डाउनहिल कह सकते हैं इसे, जो स्पेस है वो हमारे डिस्क में काफ़ी बेनिफिट रहता है कंटिन्यू साइकिलिंग के बाद. गाइस, गियर्स की बात कर लें, गियर्स में हमें इस तरफ जो लीवर मिलता है वो ब्रेक से अलग मिलता है जो कि लेटेस्ट पैटर्न है. और इसके जो हमें शिफ्टर्स मिलते हैं वो नीचे मिलते हैं, डबल ही मिलते हैं लेकिन जो शिफ्टर्स हैं वो नीचे की साइड हैं, ये गियर को प्लस करने के लिए और ये गियर को माइनस करने के लिए. इस तरफ हमें जो लीवर मिलता है वो आगे वाले गियर का मिलता है, जो 3 सेट वाला गियर आगे है. और इसके भी जो शिफ्टर्स हैं वो नीचे की तरफ हैं और डबल हैं. बैक साइड में भी हमें डिस्क देखने को मिलती है और टाटा का वेबसाइट है tatastrider.com, उसका लोगो देखने को मिल जाता है. गाइज, फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो थोड़े से इसमें हार्ड आते हैं लेकिन वो अच्छा है. थोड़े से हार्ड होंगे तो टाइम टू टाइम यूज़ के साथ वो थोड़े से सॉफ्ट होते जाएंगे. इसका जो कंफर्ट लेवल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए लॉन्ग टर्म में, इसलिए इनिशियली ये जो सस्पेंशन है वह थोड़े से हार्ड दिए जाते हैं. क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है इसके प्राइस रेंज में. गाइस, ब्लैक और ग्रीन में जो ये कॉम्बिनेशन आता है टाटा स्ट्राइडर हेक्टर का, वो बहुत ही देखने में प्यारा लगता है. और इसकी जो लुक्स है वो बहुत ही क्लासी है. हार्ड टेल और हेक्टर का इसमें लोगो दिया जाता है ऊपर फ्रंट में. गियर्स की बात कर लें तो इसमें माइक्रोशिफ्ट के गियर आते हैं जो कि शिमानो से कहीं बेटर परफॉर्म करते हैं, स्पेशली इन द हाइट. और जहाँ भी कहीं हाइट होती है, हाइट में हमें जाना होता है तो माइक्रोशिफ्ट के जो गियर्स हैं वो थोड़े से बेटर परफॉर्म करते हैं.
शिमानो के गियर्स के कंपैरेटिवली रिम की बात कर लें, रिम प्रॉपर अलॉय डुअल साइड अलॉय में आता है, जिसमें हमें थोड़ा सा यहाँ क्रोम लेयर है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है साइकिल जब चलती है। तो एक हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे और एक बैक साइड में। गाइज हम टायर की बात करें तो इसके जो टायर्स हैं वो नॉर्मल टायर से थोड़े ब्रॉड आते हैं, नॉर्मल टायर आते हैं 2 इंचज के अप्रॉक्स, और इसके जो टायर्स हैं वो 2.4 इंचज में आते हैं, जिसकी रोड पे ग्रिप और स्टेबिलिटी काफ़ी सही रहती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी इसकी जो रोड ग्रिप है, साइकिल को लेफ्ट राइट बेंड करें ज़्यादा, किसी तरह का कोई भी बैलेंस वाइज इशू नहीं आता टायर्स के रिगार्डिंग। टायर थोड़े से ब्रॉड हैं, इससे ज़्यादा ब्रॉड टायर जो होते हैं वो आप लॉन्ग रन में नहीं चला सकते, आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करोगे। गाइज अगर आपको साइकिल अच्छी लगी है और परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप परचेज करते हैं तो इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो टाटा की साइकिल्स हैं चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल हैं और आपको ज़्यादा थकावट भी महसूस नहीं होती। गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टाटा स्ट्राइडर हेक्टर बाइसाइकिल जो मैंने रिसेंट परचेज करी है। गाइज इफ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाइज आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ मानव, बाय बाय।